हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली, आप देख रहे हैं हल्द्वानी ख्वाजा फर्नीचर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए ड्रेसिंग का कुछ ये हमने बना रखी ड्रेसिंग। ये दोस्तों कैसे बनाई है, क्या क्या साइज रखा, आगे हम बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों इसके अंदर मैंने लॉकर भी बना रखा, वो भी आगे दिखाऊँगा आपको वो कहाँ बना रखा, कैसे बना रखा। चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने जो ड्रेसिंग का साइज रखा है ऐसे में पूरा हमने 4 फुट रखा है ड्रेसिंग का, ऐसे में 4.5 फुट है चौड़ाई है और इसकी हाइट है दोस्तों, इसकी 4.75 फुट हाइट है ड्रेसिंग की, नीचे से लेकर फ्रंट से लेकर 4.75 फुट। और दोस्तों हमने यहाँ पर स्टूल दे रखा है, यहाँ पर 4 ड्रॉ हैं, आपको ड्रॉ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉ हैं चारों। और ये ड्रेसिंग का डिजाइन है दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्टूल दे रखा है, यहाँ पे ये स्टूल हो गया। और यहाँ पे गद्दी बनाएंगे हम, गद्दी हटा के भी यहाँ पर सामान रखने की हमें जगह मिलेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे एक से ये वाला स्टूल जब हटाएंगे यहाँ से, हम यहाँ से भाग निकालेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक लोकर यहाँ पर दे सकते हैं। ये कोई भी हमारा छोटा मोटा सामान जो है हम छुपा कर रख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये इस हाथ से हमने इसलिए हैंडल यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि अगर हैंडल लगाएंगे तो पता चलेगा यहाँ पे कुछ है, तो इसलिए दोस्तों हमने हैंडल नहीं लगाया। ये दोस्तों इसके बाद हमारे यहाँ से स्टूल इसके अंदर पहुँच जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टूल आ गया। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर शोकेस बना रखा है सामान रखने लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सामान रखने शोकेस हमारा, ठीक है। आपको मैंने हाइट बताई दी है और बाकी यहाँ पे मीनार है, देख सकते हैं इतने मीनार हमने, ये 24 इंच का अंदर शीशा जो है 24 इंच का अंदर आ गया। और ये इसकी हाइट जो है शीशे की 4.5 फुट बाई 2 फुट का शीशा इसके अंदर है, फ्रेम ज़्यादा है लेकिन शीशा आपको मैंने बता दिया। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।